हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नो। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं डीएसए के बारे में, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। तो इसके सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे अपन। इसके डेफिनेशंस है, इसके इंडिकेशंस है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, और इसके इक्विपमेंट्स है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, पेशेंट प्रिपरेशन है, प्रोसीजर है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस है, आफ्टर केयर। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द एक्वाइजिशन ऑफ डिजिटल सब फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस विथ इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। दैट मीन मैं कह सकता हूँ कि इसमें अपन क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी की जो इमेजेज होती है उनको एक्वायर करते हैं अपन, किसका, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन करके अपन फ्लोरोस्कोपी की इमेज को एक्वायर करते हैं, और उसको एंड रियल टाइम सब्सट्रैक्शन ऑफ प्री एंड पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेस टू परफॉर्म एंजियोग्राफी इज रेफर टू डीएसए। दैट मीन कह सकता हूँ कि मैं कि ये एक प्री और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेज जो इमेजेज होती है जो उनको क्या होता है, इसको रियल टाइम सब्सट्रैक्शन होता है। दैट मीन कह सकता हूँ कि अपने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले और कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद में दोनों प्रकार की इमेज लेते हैं अपन, तो उसको परफॉर्म करने के लिए डीएसए किया जाता है। इसके सेकंड पॉइंट इसके इंडिकेशंस इंडिकेशंस की बात करें तो अपन इसमें रहेगा आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन। दैट मीन मैं कह सकता हूँ कि आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन का मीन मतलब हो गया कि कोई भी ब्लड वेसल्स है उसका ग्रुप है तो उस इनकरेक्टली फॉर्म हो, दैट मीन उसमें अंदर टैंगल्स का फॉर्मेशन हो जाए या मिसमैच हो जाए जिसके अंदर। सेकंड पॉइंट इसका एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म दैट मीन कोई भी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर बैलूनिंग हो जाए या फिर उसका वीकेंड हो जाए ब्लड, इसके अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, जैसे ऐसे इसके अंदर बैलून जैसी संरचना बन जाए ऐसे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको अपन कह सकते हैं इसका आर्ट एन्यूरिज्म। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका स्यूडो एन्यूरिज्म। उसके अंदर स्यूडो एन्यूरिज्म में क्या होता है कि बेसिकली जब कोई वीक हो जाती है आर्टरी यहाँ से, तो वीक होते ही यहाँ से लीक होने लग जाता है ब्लड, और यहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है सराउंडिंग टिश्यू पे। तो क्लॉट बनने से वो एक तरह से एक एन्यूरिज्म की तरह ही दिखता है, जिसको अपन आभासी एन्यूरिज्म भी कह सकते हैं, स्यूडो एन्यूरिज्म। उसके बाद में अपन फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर एवी फिस्टूला। इसको इंडिकेट करने के लिए आर्टेरियो वीनस फिस्टूला दोनों मत दैट मीन कह सकता हूँ कि जो वीनस और वेन और आर्टरीज होती है ना, दोनों के मध्य में कनेक्शन हो जाना, उसको मैं कह सकता हूँ आर्टेरियो वीनस फिस्टूला। इसको भी इंडिकेट किया जाता है, इसको भी देखा जाता है इसके अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं नॉन ट्रोमेटिक सब एरकनोड हीमोरेज। दैट मीन कह सकता हूँ कि बिना कोई, अगर ब्रेन के अंदर कोई भी आर्टरी वीक हो गई है या कह सकता हूँ कोई हाई ब्लड प्रेशर है जिनके अंदर, तो आर्टरी के वीक होने से ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको कह सकते हैं अपन सब एरकनोड हीमोरेज। मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना, उसको अपन बोल सकते हैं सब एरकनोड हीमोरेज। इसको इंडिकेट करने के लिए सिक्स पॉइंट है इसका आर्टेरियल डिसेक्शंस। दैट मीन आर्टरी का टीयर हो जाना, आर्टरी एक तरह से ये कह सकता हूँ कि टीयर इन द लाइनिंग ऑफ द आर्टरी, जो आर्टरी की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर टीयर हो जाना या फट जाना, रप्चर हो जाना। सिक्स पॉइंट है इसका थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना किसी आर्टरी के अंदर, ये कह सकते हैं वो थ्रोम्बस बन जाना, तो उसे कह सकते हैं अपन थ्रोम्बोसिस। तो उसको भी इंडिकेट करने के लिए अपन डीएसए करते हैं। एट पॉइंट हो जाएगा इसका ट्यूमर वेस्कुलरिटी। ट्यूमर की वेस्कुलरिटी दैट मीन कह सकता हूँ कि कोई आर्टरी है उसके अंदर ट्यूमर बन रहा है, तो उसकी कितनी वेस्कुलरिटी से वो इंक्रीज हो रहा है वह ट्यूमर, तो उसकी वेस्कुलरिटी को भी देखने के लिए इसको किया जाता है। मेया मोया डिजीज होती है उसको भी देखने के लिए किया जाता है। तो ये इसके डायग्नोस्टिक इंडिकेशन हो गया। अब इसके थेरापेटिक इंडिकेशन से बात करें तो अपन इसके थेरापेटिक इंडिकेशन हो जाएंगे, एक तो थ्रोम्बोलाइसिस, दैट मीन अब कोई क्लोट बन गया है ब्लड आर्टरी के अंदर, तो उस क्लोट को अपन डिजोल्व करने के लिए ये डीएसए परफॉर्म करते हैं, तो उसको कह सकते हैं अपन थ्रोम्बोलाइसिस। सेकेंड पॉइंट है एम्बोलाइजेशन, और एम्बोलाइजेशन की कंडीशन के अंदर जो एम्बोलाइजेशन करते हैं उसके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं डीएसए को। और थर्ड पॉइंट स्टेंट को प्लेसमेंट करना हो उसके अंदर भी अपन डीएसए परफॉर्म कर सकते हैं। और थ्रोम्बेक्टोमी दैट मीन कर सकते हैं उस जगह से अपन उस थ्रोम्बस को ही हटा दें, तो इसके अंदर भी अपन डीएसए परफॉर्म कर सकते हैं। इसके थर्ड पॉइंट पे आता है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं अपन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, मतलब कौन कौन सी कंडीशन के अंदर इसको अपन डीएसए को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है इसके जैसे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया से जैसे एलर्जी हो पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी अपन इसको डीएसए परफॉर्म नहीं कर सकते। या प्रेगनेंसी स्टेज हो, अगर फीमेल किसी प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर है कोई फीमेल, तो उस कंडीशन में भी अपन इसको नहीं कर सकते। इसका थर्ड पॉइंट है जैसे पुअर रीनल रिजर्व का बहुत कम होना या पुअर होना। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसका डायबिटिक पेशेंट, कह सकता हूँ कि जो पेशेंट जो डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं या डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर भी इसको परफॉर्म नहीं कर सकते।
अब इसके फोर्थ पॉइंट पे आते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसके अंदर आइसो ओस्मोलर और LOCM लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज कर सकते हैं, जो कि हाईली आयोडीनेटेड नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, तो इसके फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं इसके इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे अपन को DSA परफॉर्म करने के लिए। तो इक्विपमेंट्स की बात करें तो अपन यहाँ पे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। DSA मशीन चाहिएगी, एक तो अपन को कैथेटर चाहिएगा, एक एनेस्थीसिया चाहिएगा, एंटीकोगुलेंट जैसे हिपेरिन चाहिएगा अपने को, और उसके साथ में है एक गाइड वायर चाहिएगा, वेस्कुलर सीथ या मैं कह सकता हूँ उसको फिमोरल सीथ, बेडिकेट, इलास्टोप्लास्ट स्ट्रिप, और जो लीवर लोक से सिरिंज होती है उसको उसका वो चाहिएगी, एक सर्जिकल ब्लेड चाहिएगी, स्प्लिट चाहिएगी, एक ओटी ड्रेस चाहिएगी, बीटाडीन और NS इंजेक्शन। ये इस प्रकार से 14 इक्विपमेंट्स अपन को चाहिएंगे इसके अंदर इक्विपमेंट्स में। अब इसके पेशेंट प्रिपरेशन की बात करें तो अपन पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, NBM फॉर 6 आवर प्रायर टू एग्जाम, दैट मीन कह सकता हूँ इसको नथिंग बाई माउथ, माउथ से कुछ भी नहीं देना 6 आवर प्रायर टू 6 आवर टू एग्जाम, एग्जाम से 6 घंटे पहले तक। उसके बाद सेकंड पॉइंट से पेशेंट फील हाइड्रेटेड, वेल हाइड्रेटेड, दैट मीन कह सकता हूँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होना चाहिए, बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर उसको पेय पदार्थ पीना चाहिए। थर्ड पॉइंट है पेशेंट वॉइड बिफोर प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर से पहले ही उसको वॉइड करवाना चाहिए, दैट मीन कह सकता हूँ कि पेशेंट को प्रोसीजर से पहले ही मिक्स्योरेट करना चाहिए, उसका ब्लड खाली होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पेशेंट मस्ट फिल द कंसेंट फॉर्म, पेशेंट से कंसेंट फॉर्म फिल करवाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इसका काउंसलिंग अबाउट द प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बता देना चाहिए। वाइटल साइंस आर मेजर्ड, वाइटल साइन मेजर कर लेनी चाहिए उसी वक्त। पेशेंट में भी सीडेटिव टू डिक्रीज एंग्जाइटी, पेशेंट की एनग्जाइटी को डिक्रीज करने के लिए उसको सीडेटेड या बेहोशी करते हैं, जिसके लिए सुनने देते हैं अपन कह सकते हैं, इसको एनेस्थीसिया देते हैं। सेवन्थ पॉइंट हो जाए इसका प्रोसीजर या टेक्निक, कौन सी प्रोसीजर कैसे किया जाता है इसको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाएंगे, उसके बाद में उसको सीडेटेड करते हैं मतलब बेहोश करते हैं, उसके बाद उसको वाइटल साइंस को मेजर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जहाँ पर वो एरिया जहाँ से अपन कैथेटर को इंसर्ट करना है, मोस्टली ये फीमोरल आर्टरी होती है उसके अंदर अपन कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके स्मॉल इंसिजन इज गिवन, स्मॉल जो इंसिजन दिया जाता है उसके ऊपर मेडिकेट इंसर्ट किया जाता है मेडिकेट को, और फ्लोरोस्कोपी का यूज करते हुए फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के ऊपर अपन नीडल को क्या करते हैं प्रॉपर पोजिशन पर इंजेक्ट करते हैं नीडल को, एंड नीडल इज रिमूव्ड आफ्टर प्लेसिंग गाइड, और उसके बाद में अपन को पहले गाइड को प्लेस करना है और नीडल को रिमूव कर लेना है। वेस्कुलर सीथ इज इंसर्टेड ओवर गाइड वायर, पूरी गाइड वायर के अंदर अपन को क्या करना है वेस्कुलर सीथ को इंसर्टेड करना है, उसके बाद में कैथेटर को इंसर्ट करना है अलोंग द गाइड वायर थ्रू वेस्कुलर सीथ। अब जो वेस्कुलर सीथ होता है उसके थ्रू अपन क्या करते हैं कैथेटर को इंसर्ट करते हैं पूरी गाइड वायर के अंदर, उसके बाद में वहन कैथेटर इज इन प्रॉपर पोजिशन, गाइड वायर इज रिमूव्ड एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड थ्रू कैथेटर। उसके बाद में क्या करते हैं अपन प्रॉपर पोजिशन में वहन कैथेटर इज इन प्रॉपर पोजिशन, गाइड वायर इज रिमूव, जब कैथेटर प्रॉपर पोजिशन में चला जाता है तो अपन गाइड वायर को क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर देते हैं कैथेटर के थ्रू। उसके बाद में जो इमेजेज होते हैं उसको एक्वायर किया जाता है कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के दौरान, जिसके कहते हैं अपन DSA इमेजेज। कैथेटर रिमूव्ड एंड प्रेजेंट से प्रेशर अप्लाइड ओवर पंक्चर साइट, उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं कैसे कैथेटर को रिमूव कर लेते हैं और जो पंक्चर साइट है उसके अपन प्रेशर लगा देते हैं ताकि ब्लीडिंग नहीं हो पेशेंट के। उसके बाद में अपन जो डिजिटल इमेजेज होते हैं उनका सब्सट्रक्शन करते हैं, प्री और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजेज होती है उनका। इसके अंदर अपन को कॉम्प्लिकेशन क्या क्या झेलने पड़ सकते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, 3 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, लोकल कॉम्प्लिकेशन, सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन एंड CNS कॉम्प्लिकेशन। लोकल की बात करूँ तो जो हिमाटोमा हो सकता है, स्यूडो एनिरिज्म हो सकता है, AV फिस्टुला हो सकता है, और सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन की बात करो तो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हो सकती है, पेशेंट को फीवर हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, दैट मीन हाईली इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और डिहाइड्रेशन और डेथ, ये सब हो सकता है इसके सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन में। CNS कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है इसके अंदर। अब उसके बाद अपन 9th पॉइंट पे आते हैं इसके आफ्टर केयर, मतलब दैट मीन DSA करने के बाद में अपन पेशेंट को क्या करना चाहिए, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए और पेशेंट को आस्क टू फॉर बेड रेस्ट, लगभग 4-5 से 5 घंटे के लिए अपन पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए कहना चाहिए। तो ये अपना हुआ DSA कंप्लीट।